हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सद्दाम खान, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आप सभी आज डिफरेंट स्कूल से यहाँ पर, कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी होंगे, कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं, अलग अलग क्लासेस, अलग अलग स्कूल से आप यहाँ पर आए हैं। और स्टूडेंट्स, साइंस आपने सब्जेक्ट चूज किया है। मायसेल्फ सद्दाम खान, मैं सद्दाम खान आपको केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान आपको पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो आज टेंथ क्लास के बाद जब कोई भी स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट चुनता है, साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, तो उसके दिमाग में ज़्यादातर 99% केसों में दो ही ड्रीम्स होते हैं। सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो साइंस सेलेक्ट करते हैं उनके दिमाग में दो ही ड्रीम होते हैं। या तो वो स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है तो वो बायो लेता है, या वो स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहता है तो वो मैथ लेता है। 99% केसेस ऐसे ही हैं कि स्टूडेंट केवल इसीलिए साइंस सेलेक्ट करते हैं कि उन्हें दो ही चीज में जाना है, दो ही फील्ड उन्हें चूज करना होता है, या तो डॉक्टर या इंजीनियर, और वो साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो होता क्या है, कई बच्चे तो, अब वो जो 1% बच्चे आते हैं जो साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, उनमें बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो साइंस केवल इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनके माँ बाप का सपना होता है। उनका सपना नहीं होता, उनके माँ बाप का, उनके पेरेंट्स का सपना होता है कि हमारे बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाए, इसलिए वो साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। और कुछ बच्चे उन्हीं में से, उन 1% में से ही बता रहा हूँ, कुछ बच्चे उनमें से ऐसे भी होते हैं जो साइंस सब्जेक्ट इसीलिए सेलेक्ट करते हैं कि भाई हमारा जो टेंथ में क्लासमेट था वो हमारा पक्का दोस्त था, वो साइंस सेलेक्ट कर रहा है तो मैं भी 11th में साइंस लूंगा। तो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, और इनमें से कुछ परसेंट बच्चे ऐसे भी होते हैं, उन 1% में, मैं बात कर रहा हूँ उन 1% बच्चों की जो अदर्स में आते हैं। 99% तो अपने ड्रीम को लेकर आते हैं, साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जो 1% बचा है, उस 1% की मैं बात कर रहा हूँ, उस 1% के अंदर कई कैटेगरी के स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं। तो स्टूडेंट, मैं बता रहा था कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो, जैसे हम किसी मार्केट में जाते हैं या कोई सामान खरीदते हैं, जो खाने वाला आइटम होता है, उसको टेस्ट करके देखते हैं, चख के देखते हैं कैसा लग रहा है, नई चीज़ें तो अगर अच्छी लगेगी तो हम लेंगे, है ना। तो ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो साइंस में एक दो दिन बैठेंगे, साइंस वाले ग्रुप में एक दो दिन बैठेंगे, यार देखें तो सही कि मज़ा आ रहा है क्या, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा आ रहा तो सब्जेक्ट लेंगे, समझ में आए तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो कुछ परसेंट बच्चे वो भी होते हैं। तो आज मैं उन सारे बच्चों को ध्यान में रखकर आपको कुछ बात बताऊंगा। स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है साइंस। साइंस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद, यू कहना साइंस, पहले एक वर्ड था साइंस, से सिंसियर बनता है, यानी कि स्टूडेंट साइंस वाले स्टूडेंट इतने सिंसियर होते हैं पढ़ाई को लेकर कि उन्हें केवल अपने ड्रीम के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। तो सारी चीज होती है सिंसियरिटी के साथ साथ, साइंस जो है वो आपको एक बहुत अच्छे आपके करियर को उड़ान देता है। साइंस में बहुत सारे स्ट्रीम हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100% बच्चों ने जो साइंस सेलेक्ट किया है वो सारे के सारे डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सीटें तो लिमिटेड होती हैं और लाखों स्टूडेंट्स नीट का और IIT का एग्ज़ाम देते हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद लाखों में से कुछ ही सेलेक्ट होते हैं। सारे के सारे तो नहीं है कि भाई सारी सारी सीटें आपके लाख स्टूडेंट एग्जाम में बैठे और लाख के लाख IIT बन गए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट भी होते हैं जो बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाइड करके अपने टैलेंट को, हाँ, निखारते हुए अपने टैलेंट की प्रतिभा या अपने आप को संवारते हुए निकल जाते हैं और एक अपना गोल अचीव कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप बायो लो या आप मान लो मैथ्स लो, अच्छा आजकल तो एक ऑप्शन और आता है, वो है एग्रीकल्चर, आजकल तो वो भी आ रहा है। तो आजकल कई स्टूडेंट जो है वो गाँव में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर भी सब्जेक्ट चूज करते हैं। सब्जेक्ट कोई सा भी हो, मैथ्स हो,
बायो हो या आपके पास एग्रीकल्चर हो। केमिस्ट्री की मैं बात करूंगा, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस वालों को पढ़ना ही पड़ता है। इट मींस चाहे वो बायो से हो, चाहे वो मैथ से हो, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर से हो, तीनों की तीनों डिपार्टमेंट में ही, तीनों की तीनों फैकल्टी में ही केमिस्ट्री को पढ़ना कंपलसरी होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। मैंने आपको पहले बताया, मेरा नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हो, नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए केमिस्ट्री से रिलेटेड ही भी कुछ बातें करते हैं, है ना। आज आपकी क्लास है, फर्स्ट क्लास है। कई बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं कि यार देखे तो सही साइंस में है क्या। तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिससे आपको वास्तव में साइंस से रिलेटेड बहुत अच्छी चीजें लगेंगी कि यार हाँ, साइंस को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना चाहिए। तो मैं केमिस्ट्री से बात करूंगा कि आखिर हम केमिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं और केमिस्ट्री है क्या, क्या होती है केमिस्ट्री। हाँ, आजकल तो बच्चे दो ही केमिस्ट्री जानते हैं, दोस्त की दोस्त के साथ कैसी केमिस्ट्री है, फ्रेंड की फ्रेंड के साथ क्या केमिस्ट्री है, अच्छी केमिस्ट्री है, गुड केमिस्ट्री है, बेड केमिस्ट्री है ना, कि तेरी मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है ना। यू नो व्हाट, ये वो केमिस्ट्री नहीं है। हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आप केमिस्ट्री से बिल्कुल भी अछूते नहीं हो। अछूते का मतलब आप केमिस्ट्री से नहीं भाग सकते। आपकी लाइफ में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक केमिस्ट्री है आपके लाइफ में। मैं तो ये कहूंगा कि चलो आप जब सो भी रहे हो ना, तो आपके सोने के टाइम भी आपके बेड पर केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री तो वो सब्जेक्ट है। बट एक केमिस्ट्री के बारे में एक डायलॉग भी है जो मैं आपको बोल के दिखाऊंगा कि केमिस्ट्री है बेवफा, रात को पढ़ी सुबह को सफा, है ना। हाँ स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, लोग केमिस्ट्री को टफ समझते हैं। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट टफ कब होता है, जब समझ में नहीं आता है या जब उस पर मेहनत नहीं होती है ना। अगर केमिस्ट्री टफ होती तो दुनिया में जो केमिस्ट्री के टीचर है वो होते ही नहीं, क्योंकि टफ कोई चीज आजकल तो कई लोग ऐसे होते हैं जो टफ चीज पर जाना ही पसंद नहीं करते। कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों से सामना करते हैं, बाकी सब मुश्किलों से बचने की कोशिश करते हैं कि हमारे ऊपर कोई मुश्किल नहीं आए, हम आसानी आसानी की चीजें सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, है ना। तो इसलिए टफ कुछ नहीं होता है, टफ नहीं होता है, टफ समझा जाता है। आपने अगर किसी चीज को पहले से ही टफ समझ लिया ना, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज आपको उसको इजी समझने में हेल्प नहीं कर सकती। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, देखिए मेरे सामने मान के चलिए ये घोड़ा है। मैंने कहा भाई ये घोड़ा है, ठीक है, मैंने कहा ये घोड़ा है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स मान के चले हाँ भाई ये घोड़ा है, जिन्होंने मुझे फॉलो किया, जिन्होंने मुझे फॉलो किया हाँ भाई ये घोड़ा है, और फॉलो भी ऐसे किया कि मैंने कहा कि दिन को रात बोल दिया तो उन्होंने भी दिन को रात बोल दिया। इट मीन्स उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से फॉलो किया हुआ है। पूरी दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन वो मेरी बात को इनकार नहीं कर सकते। मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैं जो कहना चाह रहा हूं, अगर मैंने इस मार्कर को घोड़ा बोल दिया और जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने भी इसको घोड़ा बोल दिया, तो दुनिया की कोई ताकत अब उनके दिमाग में से उस घोड़े वाली बात को नहीं निकाल सकती। दुनिया की कोई भी ताकत उनके दिमाग में से इस बात को नहीं हटा सकती कि ये घोड़ा नहीं मार्कर है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में वो इमेज सेट है घोड़े की। मेरी बात को समझ में आ रही है? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपने दिमाग में केमिस्ट्री को टफ समझ लिया, अगर आपने दिमाग में केमिस्ट्री को टफ समझ लिया, केमिस्ट्री केमिस्ट्री ये वर्ड बस आपकी लाइफ को संवारने के लिए आया था आपकी जिंदगी में, लेकिन आपने अपने माइंड में इसको सेट कर लिया, इट इज वेरी टफ, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, आपने इसको बहुत कठिन समझ लिया, कठिन है, समझ नहीं आती है, कठिन समझ लिया, तो फिर कोई सा भी टीचर इसको इजी नहीं बना सकता, बिकॉज वो आपके माइंड में सेट हो चुका है। इलेवेंथ आपका बेसिक है, इलेवेंथ आपका वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने करियर की ट्रेन में सवार हो गए और अपने करियर पर, अपने मंजिल पर पहुंचोगे। और यहीं से अगर आपने किसी चीज को टफ समझ लिया, तो वो आगे तक ही टफ रहने वाली है।
इसलिए स्टूडेंट्स कभी भी केमिस्ट्री को टफ नहीं समझना है। केमिस्ट्री सो सिंपल, बड़ी बहुत ही इजी है यार, बहुत अच्छी समझ में आती है। तो सबसे पहले तो अपने माइंड को सेट करना है कि नहीं, केमिस्ट्री बहुत इजी है और इजी वे में पढ़ाएंगे, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन नहीं लें। बस आपको एक काम करना है, देखो आपने जितने भी टॉपर देखे होंगे, जितने भी टॉपर आपने देखे होंगे, उन टॉपर्स की एक विशेषता, एक खासियत कभी आपने नोट की, जब भी उनका इंटरव्यू होगा तो वे एक बात कहेंगे, मैं रेगुलर स्टडी करता था। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं रेगुलर स्टडी करता था 6 to 7 hours। बस ये नहीं बोलता था कि मैंने एग्जाम टाइम में या मैंने केवल जब एग्जाम आए जब ध्यान लगा के पढ़ा केवल, है ना, ऐसा तो वो एग्जाम टाइम में तो हर कोई पढ़ता है, नई बात कौन सी है। एग्जाम टाइम में तो जो डफर से डफर बच्चा होता है वो भी उसको पता है कि मेरा कल एग्जाम है तो वो भी आज पढ़ेगा, नई बात क्या है, न्यू क्या है इसके अंदर, नया कुछ नहीं है ना। लेकिन अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखो, टॉपर्स से बात करो किसी से, तो वो आपको एक ही बात बोलेगा कि भाई मैं रेगुलर स्टडी करता था। रेगुलर स्टडी का मतलब जानते हो, डेली टू डेली, और टीचर्स को फॉलो करता था, टीचर्स की बात मानता था, है ना, उनके जो गाइडलाइंस होती थी उनको फॉलो करता था, जैसे टीचर बताते थे मैं वैसा करता था। तो क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप क्या समझना चाह रहे हो, एक ही बात, रेगुलर स्टडी, रेगुलर स्टडी। अगर आप रेगुलर स्टडी करते हो ना तो दुनिया का कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता। अगर आप रेगुलर स्टडी करते हो ना तो दुनिया का कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आज की क्लास में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि केमिस्ट्री इजी कैसे हो, हम केमिस्ट्री को इजी कैसे समझें और केमिस्ट्री को माइंड में सेट कैसे करें कि इजी है। और वास्तव में बहुत इजी है केमिस्ट्री, तो इसको टफ तो समझना ही नहीं है। पहली जो थिंक है दिमाग से वो ये निकाल दो कि केमिस्ट्री टफ है, इस थिंक को दिमाग से डिलीट कर दो, अपने मेमोरी जो सीपीयू है ना आपका दिमाग, हाँ उसको, उसमें से जाओ फोल्डर पे जाओ और वहां देखो कि केमिस्ट्री टफ नाम का कोई फोल्डर हो तो उसको डिलीट मारो। तो पहला काम तो आपका ये रहेगा कि केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट, बहुत सरल सब्जेक्ट, सबसे ईजी केमिस्ट्री है। मैं तो मेरे सब्जेक्ट की बात करूंगा ना भाई, बाकी टीचर जाने चलिए। तो केमिस्ट्री सबसे ईजी सब्जेक्ट है ना, इजी है तो इजी तरीके से पढ़ेंगे ना, क्यों हम इसको टफ बनाएं, बहुत इजी सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता रहा था कि आखिर हम चाहते क्या हैं, क्या सारे के सारे बच्चे केमिस्ट्री टॉप कर जाएंगे, बिल्कुल कर जाएंगे, बिल्कुल कर जाएंगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट एंड इफ यू डोंट वांट नथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कई बच्चे तो पहले से जानते होंगे एक डायलॉग है कि जो इम्पॉसिबल होता है वो भी अपने आप में आई एम पॉसिबल होता है। हाँ कई बच्चे जानते होंगे इस बात को, पुराना डायलॉग हो चुका है। तो हाँ अब होता क्या है कि रेगुलर स्टडी हम करते नहीं हैं, क्यों हमें केमिस्ट्री टफ लगने लगती है, उसके रीजन बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स आज फर्स्ट डे से ही आप अपने स्टडी रूम में इन बातों को नोट करके लिख रहे हैं कि हमें यह चीज नहीं करनी है और यह चीज करनी है, अंडरस्टैंड, तभी पढ़ पाओगे और बहुत अच्छा पढ़ पाओगे, सच बता रहा हूं। और जिस मकसद को लेकर, जिस गोल को लेकर, जिस टारगेट को लेकर आपने साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो टारगेट आपसे ज्यादा दूर नहीं होगा और आप उसको अचीव कर लोगे, आप उसको प्राप्त कर लोगे, मैं सच कह रहा हूं। हालांकि यहां पर मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन ये जो बातें मैं बोल रहा हूं, ये बातें जो मैं बता रहा हूं, ये हर सब्जेक्ट पर फॉलो होती हैं, हर सब्जेक्ट पर अप्लाई होती हैं। तो स्टूडेंट मैं तो आपको एक ही सजेशन दूंगा कि सबसे पहले अपने अपनी जो मेंटेलिटी है, अपनी जो मेंटेलिटी है वो ये करो कि कोई सब्जेक्ट टफ नहीं है, जब मैंने सेलेक्ट किया है तो मैं ही इसको पढ़ूंगा, मैं ही इसको पार लगाऊंगा, अंडरस्टैंड। हाँ
ये वर्ड है ना, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। जब आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो आपके दिमाग में था आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, इसलिए आपने सेलेक्ट किया। और फिर जब आपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद कहो आई विल डू इट, मैं इसको करूंगा। तो ये दो वर्ड ना आपकी लाइफ को संवार देंगे। और देखो वास्तव में जो स्टूडेंट अपना ड्रीम बनाए हुए हैं डॉक्टर या इंजीनियर का, यू नो व्हाट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी कि जो आपके स्वप्न होते हैं, स्वप्न अगर जितना बड़ा होता है ना, उसकी मेहनत उससे भी ज्यादा बड़ी होती है। ये फैक्ट है। अगर आप सपना देखते हो, सपना देखने की हिम्मत रखते हो, तो उसको पूरी करने की भी हिम्मत रखो, है ना। होपलेस मत होना। और जहां कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं वहां आप हमसे डिस्कशन करें। एनी टाइम मैं आपके लिए मौजूद हूं, आपके लिए उपस्थित हूं। आप जब भी जिस वक्त भी मुझे कॉल करोगे या मुझसे पूछोगे या क्लास में पूछोगे, क्लास के बाद पूछोगे, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैं एनी टाइम हर मोड़ पर हर वक्त आपके लिए रेडी रहूंगा। स्टूडेंट देखिए, हम जो हैं, जो टीचर्स हैं, हाँ, जो आपको समझाने वाले हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो केवल इतना सपोर्ट कर सकते हैं कि आपको एक अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं। मेहनत आपकी होगी। देखो एक चक्की होती है, पुराने जमाने में चक्की होते हैं ना, कि चक्की के दो पार्ट जब मिलते हैं, चक्की जानते हो, चक्की आटा पीसने की, एक पार्ट होता है नीचे वाला चक्री सी, उसके ऊपर दूसरी चक्री होती है, ठीक है। तो एक चक्री के ऊपर दूसरी चक्री होती है, उन्हें बोलते हैं पार्ट। और जब चक्की के दोनों पार्ट मिलते हैं, दोनों स्लैब, ठीक है ना, दोनों व्हील, व्हील बोल सकते हो आप, है ना, टू व्हील्स होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, जब दोनों पार्ट मिलते हैं तो उनके बीच में आटा पिसता है। यानी कि रिजल्ट जब निकलता है, जब आपकी मेहनत हमारी मेहनत के साथ जुड़ जाती है, तो हम आपसे आपकी मेहनत एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब होता क्या है, अधिकतर ये देखा जाता है कि स्टार्टिंग में स्टूडेंट बहुत एक्टिव होते हैं, धीरे 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 उनका पोटेंशियल कम होता चला जाता है। पोटेंशियल कम होने का जो रीजन है वो एक ही रीजन है कि वो बच्चे अपनी स्टडी को रेगुलर मेंटेन नहीं करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, डे फर्स्ट है आज आपका, डे फर्स्ट आप पढ़ रहे हो, डेली टू डेली अगर आज से ही पढ़ते हुए चलोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप ट्वेल्थ के साथ एक कंपटीशन एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हो, और ट्वेल्थ में भी आप एक अच्छी परसेंटेज गेन कर सकते हो, और इलेवेंथ के भी आपके सारे टॉपिक क्लियर होते चलेंगे। छुट्टियां कम से कम हो, यानी कि क्लास कम से कम मिस हो हमारी, रेगुलर स्टडी हम करते रहें और रेगुलर टीचर के कॉन्टेक्ट में रहें, पूछते रहें, एक भी दिन मिस नहीं करें, तो कोई सब्जेक्ट टफ भी नहीं लगेगा। और एग्जाम टाइम में जो स्टूडेंट डिप्रेशन में आते हैं उसका रीजन यही है कि वो रेगुलर स्टडी नहीं करते। जो रेगुलर स्टडी करेगा कभी एग्जाम टाइम में डिप्रेस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। बिकॉज क्या करते हैं, आज पढ़ाया, अरे यार थोड़ा सा पढ़ाया सर ने, कल याद कर लेंगे। दूसरे दिन पढ़ाया, अरे यार दो दिन का ये तो हुआ है, अभी तीन दिन का एक साथ याद कर लेंगे, तो आज नहीं कल, आज नहीं कल, ऐसे करते करते पूरी एक मोटी कॉपी भर जाती है। और फिर जब टेस्ट के लिए या एग्जाम के लिए टीचर्स बोलते हैं तो फिर एक साथ, संडे को आपका टेस्ट होगा टीचर ने अनाउंस किया, सैटरडे को हम स्टूडेंट लेके बैठते हैं और फिर याद करते हैं, फिर डिप्रेस हो रही है, क्या करें, कैसे याद करें। टीचर क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताता है, वो कॉन्सेप्ट उस टाइम नहीं पढ़े, अब सैटरडे को केवल जो कॉपी में लिखा हुआ है वही याद कर पाएंगे, टीचर के कॉन्सेप्ट दिमाग से आउट, am I right or wrong? और ऐसा ही होता है, इसीलिए हम स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो आज ही मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बेसिक बताता हूं। तो थोड़े से बेसिक नॉलेज मैं आपको देता हूं केमिस्ट्री की, क्या फिर केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम केमिस्ट्री को समझते हैं कि आखिर इसको पढ़ते क्यों है, क्या केमिस्ट्री। आपके सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक
और रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक हर चीज में केमिस्ट्री है, हर चीज में केमिस्ट्री, यहां तक कि आपकी बॉडी में भी केमिस्ट्री है, दैट इज बायोकेमिस्ट्री, जैव रासायनिकी, हर चीज में केमिस्ट्री है। आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर फैट्स हैं, दैट इज बायोमोलिक्यूल, और बायोमोलिक्यूल का कॉम्पोजिशन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ठीक है। आप रात को सोते हो, जिस बेड पर आप सोते हो उसकी लकड़ी में वुड, बेड वुड का फर्नीचर सब जानते हैं केमिस्ट्री। आप जिस बेड शीट पर लेटे हो और जिस बेड शीट या जिस ब्लैंकेट को आपने ओढ़ रखा है, वूल, ऊन, क्या है, केमिस्ट्री, उसकी भी केमिस्ट्री है। आपके दीवारों पर चारों तरफ, आपके रूम की दीवारों पर चारों तरफ पेंट हो रहा है, पेंट क्या है इसके अंदर, केमिकल, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। आपकी घड़ी टिक टिक करती है, घड़ी के अंदर सेल, सेल के अंदर केमिकल, इट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री। लाइट चली गई, इन्वर्टर चलाया, बैटरी जलाई, बैटरी से चलता है इन्वर्टर, बैटरी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बैटरी के अंदर केमिकल H2SO4, केमिकल, केमिस्ट्री। सोचो, सोचो जितना सोच सकते हो, आपके सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक केमिस्ट्री। सुबह उठे, उठकर ब्रश करने के लिए जा रहे हो, ब्रश के कॉलगेट क्लोजअप जो भी आप लेते हो उसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिस्ट्री। तो आपकी हर एक चीज में केमिस्ट्री है। अगर देखिए, दैनिक जीवन में आजकल आप सबको पता है, डेली लाइफ में सबसे बड़ी चीज है कि बीमारी का इलाज है ना। पहले तो रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, तीन ही हम की हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आजकल मेडिसिन, दवाई, चौथी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है हेल्थ, है ना, इंसान हेल्दी भी रहना चाहिए। तो आजकल की तो डेली लाइफ में बिना दवाई गोली के शायद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पर्सन इस दुनिया के अंदर होगा जिसने अभी तक कोई दवाई नहीं खाई हो, है ना, कोई मेडिसिन नहीं ली हो। तो मेडिसिन, व्हाट इज मेडिसिन, मेडिसिन क्या है, इट इज ए केमिकल सब्सटेंस, इट इज ए केमिकल सब्सटेंस, केमिस्ट्री, यही तो बताना था मैंने, कहा ना, आप केमिस्ट्री से जितना बचोगे उस जगह आपको केमिस्ट्री मिलेगी, उस जगह आपको केमिस्ट्री मिलेगी, हर जगह केमिस्ट्री मिलेगी। पाताल लोक में जाओ, जहां से खान जो होती हैं, जिनमें हीरे, डायमंड वगैरह, जो डायमंड्स वगैरह निकलते हैं, क्या है, केमिस्ट्री। जहां से कुछ मेटल्स निकलते हैं, क्या है, केमिस्ट्री। कहां बचोगे केमिस्ट्री से। तो स्टूडेंट्स, आज उसी केमिस्ट्री के बारे में हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे, 11th और 12th में हम उसी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिस केमिस्ट्री से आप नहीं बच सकते। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं, मैंने तो आर्ट्स ले लिया, मैं केमिस्ट्री से बच गया। अरे भाई, वहां भी केमिस्ट्री है, वहां भी केमिस्ट्री है। तो मैं बता रहा था आपको कि केमिस्ट्री में आखिर हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, कि बोथ मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल मेरी आज इंट्रो क्लास है, है ना। तो इस इंट्रो क्लास में, इट मीन इंट्रोडक्शन है आज ओनली, तो इस इंट्रो क्लास में मैं आज दोनों लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, हिंदी भी और इंग्लिश भी, अंडरस्टैंड। लेकिन इंग्लिश मीडियम के जो नेक्स्ट क्लास से जो इंग्लिश मीडियम के वीडियोज होंगे वो मैं बिल्कुल अलग सेंड करूंगा, ठीक है, और हिंदी मीडियम के जो वीडियोज होंगे वो अलग सेंड करूंगा ना। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको बोथ लैंग्वेज में दोनों चीजें, आज बेसिक चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में, केवल अपनी किताब में, हम हमारी बुक में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री बुक की, है ना, केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री के, वैसे पहले NCERT सिलेबस था और अब जो है सिलेबस राजस्थान बोर्ड है आपके, उसमें शायद दोबारा NCERT को फॉलो किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि NCERT सिलेबस ऐसा सिलेबस है जो ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम स्टेट फॉलो करता है ना।
एनसीईआरटी सिलेबस ऐसा सिलेबस है जो ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम स्टेट है ना, हर स्टेट का पहले अलग अलग सिलेबस होता था, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में अब मैक्सिमम स्टेट जो है वो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में एनसीईआरटी ही बुक चलती हैं। तो इस साल हो सकता है आपके भी एनसीईआरटी आए, लेकिन चाहे सिलेबस एनसीईआरटी का हो चाहे राजस्थान बोर्ड का कोई सा भी सिलेबस हो, मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। सिलेबस कोई सा भी हो हमें इस टॉपिक को पढ़ना ही पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखें। तो इसलिए पहली बात तो दिमाग में ये बिल्कुल नहीं लाया कि यार सर जो पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस में है या नहीं, यार सर जो पढ़ा रहे हैं वो उसका कहीं हमारे फालतू दिन वेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल काम की चीज है, डोंट वरी। ठीक है, फिलहाल मैं आज के इंट्रो क्लास में बता देता हूँ कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, हम क्या क्या पढ़ सकते हैं और क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों पूरी की पूरी केमिस्ट्री को मैं आपके लिए दो पार्ट में, केवल दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरी की पूरी केमिस्ट्री को मैं केवल दो पार्ट, हालांकि केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट होते हैं है ना, फिजिकल केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रो और बहुत सारी चीजें होती हैं, आगे भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बहुत सारे पार्ट्स हैं है ना, ले सरफेस केमिस्ट्री वगैरह वगैरह, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, लेकिन मैं आपको केवल केवल केमिस्ट्री के केवल दो ही पार्ट बताऊंगा। वो है एक तो, क्योंकि आगे ऑटोमेटिक जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, 11th के बाद 12th में जाओगे, 12th के बाद कोई भी स्ट्रीम में जाओगे अलग अलग, तो वहाँ आप ऑटोमेटिकली इसके अलग अलग पार्ट कर लोगे। ठीक है, तो मैं भी दो ही पढ़ते हैं हम। एक तो होता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक, केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, बहुत मीडियम, केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। दो पार्ट होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक तो ये पढ़ेंगे हम इसके अंदर, और एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक को हिंदी में कहते हैं अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, और ऑर्गेनिक को बोलते हैं कार्बनिक रसायन। ठीक है, और इसी के साथ हम कुछ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, प्रायोगिक रसायन, प्रैक्टिकल ही होता है तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये एक्स्ट्रा है ना, ये अलग है बिल्कुल, ये कोई केमिस्ट्री की ब्रांच नहीं है, मतलब केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों के प्रैक्टिकल हम करेंगे, तो ये प्रायोगिक रसायन है, ये अलग है, ये आपकी बुक होगी अलग से, प्रायोगिक रसायन, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये हम अलग से पढ़ेंगे, ये कोई बुक वो नहीं है कि इसका पार्ट हो, केमिस्ट्री केवल दो ही पार्ट है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये तो आपका क्या होता है, इसमें हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रैक्टिकल ही करते हैं, तो उसमें ऑर्गेनिक भी का भी होता है और इनऑर्गेनिक का भी प्रैक्टिकल होता है, तो उसको छोड़ते हैं। अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, इसके अंदर हम सभी उन यौगिकों का अध्ययन करते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता, यानी कि मेटल, नॉन मेटल है ना, और आवर्त सारणी के बारे में और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, बहुत सारी चीज़ें जिनमें कार्बन नहीं होता, कुल मिलाकर की बात है, और इसके अंदर हम वो कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं जो 10th क्लास में आप थोड़ा बहुत मैं आपको याद दिला दूं, जैसे कि आपने पढ़ा था एथेन, मेथेन, प्रोपेन वगैरह पढ़े थे ना, हाइड्रोकार्बन, उनके बारे में हम इनका अध्ययन करते हैं कार्बनिक रसायन। तो हम यहाँ पर अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन दो इससे कर दिए, दोनों के अलग अलग पार्ट है। देखिए एनसीईआरटी जब फॉलो होगा या राजस्थान बोर्ड भी फॉलो हो, तो दोनों के लिए मैं आपको बता दूं टोटल अप्रोक्स 14-15 चैप्टर होंगे आपके, और इस बार हो सकता है कि थोड़े बहुत चैप्टर रिड्यूस भी कर दिए जाए, हटा भी दिए जाए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम अकार्बनिक रसायन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1, जो कि चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। ये तो मेरा दिया हुआ नाम है क्योंकि मेन चीज यही है, लेकिन आपकी बुक का नाम हो जाएगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हिंदी में नाम होगा इसका, रसायन विज्ञान के कुछ आधारभूत इकाइयां है ना, रसायन विज्ञान के कुछ आधारभूत इकाइयां, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इकाइयां या अवधारणाएं। तो स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, क्या कि केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे।
तो केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। क्या पढ़ेंगे? मोल अवधारणा। हिंदी में नाम बता देता हूँ इसका, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हिंदी में नहीं बताया सर ने। तो चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा, मूलभूत अवधारणा, ये हिंदी में नाम है। यानी कि रसायन विज्ञान के बारे में हमें बताना है इस चैप्टर के अंदर कि हम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं, और इसको इसी का दूसरा नाम है मोल अवधारणा, मोल अवधारणा, मोल अवधारणा। ठीक है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा या मोल अवधारणा, इंग्लिश में बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 है आपका, ये पहला चैप्टर है। अब मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि केमिस्ट्री के यूजेस, हर जगह केमिस्ट्री होती है, और केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें कुछ मूलभूत इकाइयों के बारे में पढ़ना होता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। इसलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, केमिस्ट्री को कभी भी टफ मत समझिएगा, ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है, इजी समझ के पढ़ना है, ठीक है, और डेली टू डेली पढ़ना है, बस ये ध्यान रहे मेरी क्लास को डेली टू डेली पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू सो मच।